आई एम समर समर गुप्ता, और आज हम आपको ले जाना चाहते हैं राजा नरपत सिंह की नगरी माधोगंज में। आप लोग जैसा कि जानते हैं, माधोगंज एक कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा है हरदोई जिले का। बट आप वहाँ एक रुईयागढ़ टाइप का स्मारक है, रुईयागढ़ नाम के, आप देखना ना भूलें। आपको हम दिखा रहे हैं राजा नरपत सिंह की फोटो और प्रतिमा जो है रुईयागढ़ में बनी हुई है। आप लोग आगे बढ़िए और देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये राजा नरपत सिंह, जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी तब इन्होंने हीरे को चाटने से इनकी मृत्यु हुई थी। और जैसा कि आप आगे देख सकते हैं यहाँ क्या क्या बना हुआ है और कैसे बना हुआ है, हम आपको बताना चाहेंगे। ये राजा नरपत सिंह का जो हीरा इन्होंने चाटा था, उस टाइप का एक स्मारक टाइप का बनाया गया है। आप लोग देखिएगा प्लीज, आगे आओ। हाँ तो हम आपको जैसा कि बता रहे थे, ये राजा नरपत सिंह थे। राजा नरपत सिंह ने यही वाला हीरा चाटा था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर आप देखिए, ये स्मारक कई लोगों ने बनवाया है। माधवगंज के पंचायत, माधवगंज के चेयरमैन वगैरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। जो पर्यटक हैं वो कभी कभार ही आते हैं, बट आप लोग देखना ना भूलें। और देखिए, हाँ तुमने ये तो बताया नहीं कि इसके साइड में है, लेकिन माधवन जाइए सब पता। ये मिसाल है, ये क्या मसाल को तुमने साइनाइड बता दिया है, एकदम बड़ा बड़ा पैकेट हो गया। हाँ जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा इसमें क्या क्या लिखा है और किन्होंने किन्होंने बनवाया है। इसके लिए कई सारे चंदा जमा हुआ था जिससे यह बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कैसी हरियाली छाई हुई है। आसपास का दिखा दो, यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं और यहाँ पर घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है। बारिश का मौसम तो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर हरियाली हरियाली छाई है और यहाँ पर कई सारे आसपास के यहाँ गाँव हैं जो कि इन पेड़ों से अपनी जरूरतमंद इतनी लकड़ियां काटते हैं और अपने घरों का सहारा करते हैं। इनसे इनका घर का सहारा है, ये अगर लकड़ियां ना हो तो ये कुछ ना कर पाए। प्लीज आगे आप बढ़ते हैं, हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते रहिए आप और चलते रहिए मेरे साथ। चले आगे, आओ घुमा दें आपको भी एक बार ना देना। अजय गलत कर रहे हो। तो यह गुफा जो दिल्ली के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाती है ना, नहीं दादा मार तो तुम्हारे हमारी बात इधर है, इधर चल रही है। हम लोग आ गए हैं कई बहुत ऊंचे यहाँ पर, जहाँ पर आपको आज हम कुइयां एक दिखाने जाते हैं। यहाँ एक पर, यहाँ एक, सॉरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो होती रहती है ना। अब आपको हम ले चलते हैं एक गुफा की ओर दिखाना चाहते हैं। ये गुफा जिसे अब बंद कर दिया गया है, ये पहले दिल्ली के लिए खुली हुई थी। यहाँ से कई सारे जो राजा नरपत सिंह की सेना थी और राजा नरपत सिंह थे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए होते थे। अब इसे बंद कर दिया गया है यहाँ से भी और दिल्ली से भी। आप लोग अब हम आगे आपको ले चलना चाहते हैं, यहाँ पे एक कुआं टाइप का है, हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं। प्लीज आइए मेरे साथ, चलो हम आपको दिखा रहे हैं आज एक यहाँ का कुआं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों का यहाँ पर सोना बहुत छुपा हुआ है और यहाँ पर कई सारे जायदाद है जो पुरानी हो चुकी है। बट यहाँ पर सुना ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग अंदर जाते हैं उन्हें यहाँ पर का कुछ नहीं मिलता है। जो अंदर जाते हैं ये भी कहा जाता है कि जो अंदर जाते हैं वो लौट के भी वापस नहीं आते हैं। आप लोग को हम जैसा कि बता रहे थे, आप देख लीजिए एक कुआं प्लीज, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट है अंदर उसके नहीं। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ, प्लीज पूछते हैं। आपको ले जाना चाहते हैं, आपने कुआं तो देख ही लिया होगा कितना अच्छा था। अब जैसा कि यह पुरानी जायदाद है तो वैसी ही हो रही गई है, अब जैसी दरअसल है
इस समय यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि इसे बनवाना ही नहीं चाहते थे। एक बार ये बना भी था लेकिन उसके बाद एक गार्ड भी लगाया गया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो होना था वो भी नहीं हुआ, हर कुछ बढ़ता और गार्ड पता नहीं कहाँ चला गया, वो दोबारा लौटे के नहीं आया। जैसा कि अब हम आपको ले चल रहे हैं एक यहाँ पर नदी है आसपास की जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखते रहिएगा हमारे साथ। तो बकवास मत बोलिए, कहाँ से बना? हम आपको दिखाना चाहते हैं ये नदी, आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पर कैसा है और पानी यहाँ का कैसा है। यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में सिंघाड़ा बोए जाते हैं और यहाँ के लोग कुछ ये सब पसंद भी करते हैं। आगे आके देख लीजिए आप लोग, ये सीन तो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब यहाँ पर सूर्यास्त वगैरह होता है तब तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसा कि ये नगरी इसी नाम से है, राजा नरपत सिंह की नगरी। हाँ, जैसा कि हमने बताया था आपको ये राजा नरपत सिंह की नगरी थी। अब आप लोग को दिखाने से भी हम डर नहीं रहे, आप लोग आगे से आगे देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। कैमरा मैन आगे यहाँ पर हम और आगे आपको ले चल रहे हैं, यहाँ पर बैठने वाला बहुत अच्छा है। ये वो स्थान, विशेष स्थान जिसे बोलते हैं, यहाँ पर बैठने से काफी सा सुकून मिलता है। आप खुद ऊपर का सीन देख लीजिए, यहाँ पर पेड़ इतने सारे हैं, हवा चलती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आगे चलते हैं अपने वही स्थान से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, चलते हैं फिर आगे। चलिए चल रही है और इसे बैकग्राउंड कमाल गया। बस बाबा अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए उनके बारे में क्या क्या लिखा है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे ध्यान से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना।